Welcome to the virtual class of Design of AC Machine. Myself, Professor Gaurang Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Okay, now in this video lecture, we are going to discuss about the things which was remaining during the last video lecture discussion. So in last video lecture, we know that we discussed regarding the squirrel cage induction motor, and then we shown that just a moment. Squirrel cage induction motor, then we discussed regarding the types of slots, then squirrel cage rotor, what is the squirrel cage rotor and how it is made up of it, and we discussed regarding the what is the area of end ring and how the end ring is going to be designed. Okay, in this video lecture session, what we are going to discuss, that is a current in rotor cage and current in end ring. Those two things we are going to discuss in this video lecture. Okay, so I hope you understood what we discussed regarding the last video lecture, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्लॉट्स कौन सी टाइप्स के होते हैं, फिर स्क्विरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है और एंड रिंग का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो इन दैट सेशन वी गॉन थ्रू दिस, लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडक्शन motor. There is two parts, stator and rotor, and one more part that is the air gap in between that. Okay, and then there are the types of slots that we discussed. Okay, there is mainly three types of slots are there: wide open, semi closed and closed slots. Okay, then squirrel cage rotor कि किस तरह का actually squirrel cage rotor होता है और उसमें rotor bar कैसे प्लेस किए हुए होते हैं. ओके, देन देट इज़ द सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और पिक्चर्स दैट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. दिस इज द पिक्चर ऑफ एंड्रिंग, यू कैन सी दैट. ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ एंड्रिंग, हाउ वी गॉन थ्रू दैट एरिया ऑफ एंड्रिंग, वॉट इज द टी दैट इज thickness of end ring and depth of end ring, and how we are able to calculate the area of end ring that is equal to depth of end ring into the thickness of end ring, that is stands for T. Okay, so mainly in today's session, what we are going to see in depth, that is the current in rotor cage. कि भाई अपने rotor cage जो है उसमें current किस तरह से distribute होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे, इस पिक्चर को पहले स्टडी करेंगे. ठीक है, कि ये पिक्चर, ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर दी हुई है, इससे हमें क्या पता चलता है. सो दिस इज़ द फिगर इज गिवन फॉर द स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर. ये जो पूरा थियोरी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आई विल शो यू इन डिटेल ओवर देयर. ओके, सो इसमें दिस इज द पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर एज अ स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर. दैट वी कंसिडर दिस पार्ट ऑफ रोटर इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड. दिस पार्ट ऑफ रोटर इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड एंड इट इज जस्ट वी अज्यूम दैट इट इज जस्ट पुट ऑन द सरफेस इन फ्लैटन मैनर. ओके, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई ये स्क्विरल केज रोटर है, उसको हमने बीच में से काट के पूरा ऐसे फैला दिया है. तो इस तरह से ये स्क्विरल केज रोटर दिखेगा आपको. ये जो है सिंगल पार्ट, दिस वी आर कंसिडरिंग एज अ रोटर स्लॉट. ओके, इसे हम रोटर स्लॉट की तरह कंसिडर करेंगे. ओके, और ये जो है एक साइनोसोइडल कर्व आपको दिख रहा है, साइनोसोइडल कर्व बना हुआ है,
उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे वेरी होती है वो हम समझेंगे थ्रू दिस फिगर. ओके, एंड ये जो लास्ट फिगर दी हुई है उसमें दिया हुआ है करंट इन एंड रिंग्स एंड करंट इन बार. ओके, सो हाउ इट वुड गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट विल बी सर्कुलेटेड इन दैट पर्टिकुलर मैनर वी विल डिस्कस दिस इन राइट नाउ इन डीपली. ओके ओके, सो इन दिस फिगर वी कैन सी दैट द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दिस स्टेटर बार. आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर हम कंसिडर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे आपका जो करंट वेरी हो रहा है. ओके, तो ये पहले जो रोटर बार का ये जो करंट है यहाँ पे हम अगर इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे, बाद में ये थोड़ा सा अप हो रहा है तो यहाँ से ये थोड़ा सा हम लेंगे, फिर दूसरा ये करंट है दिस विल बी कंसिडर ओवर हियर. सो इस तरह से दो पोल क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, एक पोल को नाम दिया है हमने दैट इज़ द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, एंड अनदर पोल दैट इज़ क्रिएटेड एज अ साउथ पोल. सो वी कैन सी दैट देर इज़ अ पार्ट ऑफ स्क्विरल केज रोटर विच इज़ स्प्लिटेड इन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड एंड टू मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज़ नेम इज़ गिवन दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ, जो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. ये जो नॉर्थ पोल के अंडर के जितने भी बार हैं उसमें फ्लो होता हुआ करंट हमें यहाँ पे दिख रहा है जो साइमल्टेनियसली वेरी होता है, इसलिए ये जो शेप है वो साइनोसॉइडल शेप हमें मिल रहा है यहाँ पे. इसी तरह से साउथ पोल में जो करंट फ्लो रहा है उसे हम डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, तो ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से करंट जो है वो अपने स्क्विरल केज रोटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, और एक चीज़ हमने जो डिस्कस की थी स्क्विरल केज रोटर के बारे में कि भाई जो ये जो एंड रिंग है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, दिस पोर्शन वी कंसिडर एज अ एंड रिंग, ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे का पोर्शन, बोथ ऑफ द साइड यू कैन कंसिडर दिस पोर्शन एज एन एंड रिंग. सो वी कैन सी दैट ऑल द करंट इज कम टूगेदर ओवर हियर इन द एंड रिंग. सब सारा करंट जो है पर्टिकुलर वन पोर्शन का वो एंड रिंग में इकट्ठा हो रहा है और बाद में फिर वापस वो सर्कुलेट होके ऐसे जा रहा है. ये फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल के ये जो है इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड के किस तरह से करंट सर्कुलेट हो रहा है अपने इस रोटर बार में. ओके, और दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी कि जब ये हम कंपेयर करेंगे करंट इन बार, यू कैन सी दिस इज़ टू वेव फॉर्म्स. फर्स्ट वेव फॉर्म दैट इज़ गिवन इन एज एन करंट इन बार और दूसरा जो वेव फॉर्म है दैट इज़ करंट इन एंड रिंग. तो करंट इन एंड रिंग और करंट इन बार में क्या डिफरेंस हो रहा है? तो करंट इन एंड रिंग्स जब ज़ीरो है, दिस इज द ज़ीरो करंट ऑफ एंड दैट इज एन एंड रिंग, तब करंट इन बार मैक्सिमम हो रहा है. पता चलता है मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि भाई जब ये करंट इन एंड रिंग यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है तब करंट इन बार यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव फॉर्म. सो दिस थ्री थिंग्स वी कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर दैट इज द करंट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज इन इन स्क्विरल केज रोटर दैट इज इन साइनोसोइडल फैशन एंड व्हेन द करंट इन एंड रिंग्स इज जीरो एट दैट टाइम करंट इन बार इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. ओके, सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ वी नो दैट आवर थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ टू पोर्ट डिवाइस. ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट दैट इज अ करंट और दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इन स्टेटर दैट इज कम टू द रोटर थ्रू द एयर गैप. जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये जो स्टेटर है आपका, उस स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है विच इज़
come to this rotor, which is come to this rotor through the air gap. Okay, so उसके लिए सबसे पहले अपना equation क्या रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, just a moment. So यहाँ पे stator MMF सबसे पहले हम consider करेंगे, that is the stator MMF. Stator MMF is consider as stator magnetomotive force. Okay, तो अपना स्टेटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, दैट इज 3 इंटू आई एस इंटू टी एस के डब्ल्यू एस कॉस 5, दैट इज 3 इंटू आई एस विच इज स्टैंड फॉर स्टेटर करंट. ओके, देन टी एस दैट इज स्टैंड फॉर टोटल टोटल स्टेटर बार, देन KWS and that is the cos phi. Okay, so total stator MMF क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई 3 into IS into TS into KWS cos phi. Okay, each and every factor over here which is very important, how it is come into the picture that we will see. तो भाई सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई ये IS और टी एस क्या है. ओके, सो आई एस और टी एस क्या है, आई एस दैट इज द स्टेटर करंट विच इज फ्लोइंग इन टू द स्टेटर. ओके, एंड टी एस क्या है, जो भी स्टेटर का स्टेटर के जो टिथ है या स्टेटर के जो बार है उसको हम टी एस बोलो टी एस कहेंगे. ठीक है, सो आई एस एंड टी एस वेक टूगेदर इन लाइक, और टी एस को आप नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर भी कंसिडर कर सकते हैं. सो आई एस इंटू टी एस क्यों है, क्योंकि जो भी करंट लिंक हो रहा है स्टेटर में वो पैरामीटर हमें लेना पड़ेगा. सो वॉट एवर द करंट लिंक इन टू द स्टेटर दैट वी हैव टू कंसिडर फॉर पर्टिकुलर दिस पैरामीटर. सो आई एस इंटू टी एस यहाँ पे हमने लिया है 3, बिकॉज दैट इज द 3-phase इंडक्शन मोटर, सो दैट्स वाई 3 इज स्टेइंग ओवर हियर. ओके, दैट इज के डब्ल्यू एस, दैट इज द वाइंडिंग फैक्टर, दैट इज स्टैंड फॉर के डब्ल्यू एस. ओके ओके, के डब्ल्यू एस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज द स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर विच इज नॉन एज अ के डब्ल्यू एस, एंड कॉस 5 बिकॉज ये हमारी ए सी मोटर है इसलिए हम इसे इसमें कॉस 5 भी इन्वॉल्व करेंगे. सो द फाइनली द स्टेटर एम एम एफ इज इक्वल टू 3 इंटू आई एस इंटू टी एस इंटू के डब्ल्यू एस इंटू कॉस 5. ओके, इतने तक आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. Okay, so now you able to understand why this equation is came over here, that is 3 into IS into TS into KWS cos 5. Now particular this factor IS into TS, that means I will show you in this diagram as well what is IS into TS. So IS into TS, that means you can see the total stator current, ye jo portion hai aapka, this is the total stator current which is flowing in this particular section. Okay, and isme jo stator turns hai usme jitna current flow raha hai us wo hame consider karna padega. Okay, that's why we are taking IS into TS. Okay, then we will move forward towards another section, that is the rotor slots. Okay, now we will consider the number of rotor bars. Okay, number of rotor bars is equal to SR, number of rotor bars that we consider as a number of rotor bars is equal to SR. So over here when we consider number of rotor bars, so we can say that in one slot SR number of rotor bars are placed. Okay, in one slot SR number of rotor bars are placed. So number of, if we consider from this number of rotor turns, then what should we can write, agar hum number of rotor turns consider karte hain to ek coil mein total 2 turns आएंगे. ओके, सो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग दैट इज एस आर बाय 2. ओके, सो द नंबर ऑफ रोटर टर्न्स इज मेड एंड बिकम नाउ दैट इज द एस आर बाय 2. वी हैव टू कंसिडर एस आर बाय 2. सो
it is we are discussing for the for one coil. So for one coil we need two turns here. अगर हमें रोटर MMF कंसिडर करना है देन वी हैव टू कंसिडर वन मोर इक्वेशन इन दैट दैट इज द रोटर MMF. ओके नाउ रोटर MMF इज इक्वल टू आई बी इन टू एस आर बाई टू. वट इट इज दैट इज रोटर MMF. रोटर MMF इज इक्वल टू आई बी into SR by 2. ओके अब आपको लग रहा है कि भाई ये कहाँ से पिक्चर में है कि भाई आई बी इंटू एस आर बाय टू. ओके नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स. हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, सिंपली अगर आप बात करें मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ये जो रोटर करंट, यहाँ से जो भी रोटर करंट स्टेटर को हम करंट देंगे, तो वो करंट इंड्यूस होगा पहले स्टेटर में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर में हम कंसिडर करेंगे. तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा आई बी इंटू एस आर बाय टू, क्योंकि आई बी दैट इज स्टैंड्स फॉर द बार करंट एंड दीज बार करंट this bar current is induced into that particular turns, and that coil which is made up of two turns, that is this SR by 2, already we shown that SR by 2, and this is IB, that is stands for the bar current, that's why it becomes like IB into SR by 2. So rotor MMF हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है. ओके देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी वन मोर थिंग ओवर देयर. नाउ न्यू MMF और न्यू स्टेटर MMF इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ओके दैट इज वी कंसिडर दैट द न्यू स्टेटर MMF इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. विच टू पार्ट्स, दैट इज वन पार्ट दैट इज द रोटर MMF. Okay, that is rotor MMF plus another part, that is the magnetizing MMF. Okay, this part, that is the magnetizing MMF. So these two parts is come into the picture as per the rotor MMF. So why this magnetizing MMF is there? So this magnetizing MMF is come into the picture because it needs to magnetizing the air gap, okay, or to overcome the air gap or to reach to the rotor bar, we need to magnetizing those particular air gap. That's why this magnetizing MMF is considered. Okay, स्टेटर से जो मैग्नेटिक फील्ड रोटर तक हमें लाना है, तो एयर गैप को हमें मैग्नेटाइजिंग करना पड़ेगा, तो उसको कंसिडर करेंगे हम एज अ मैग्नेटाइजिंग MMF. ओके नाउ अनदर टर्म वी हैव टू सी दैट मैग्नेटाइजिंग MMF इज नेग्लेजिबल. ओके सो विथ कंपेयर टू द रोटर MMF. ओके सो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग MMF बहुत ही नेग्लिजिबल होता है विथ कंपेयर टू द रोटर MMF. सो फर्दर वी कैन कंसिडर स्टेटर MMF इज इक्वल टू रोटर MMF, बिकॉज ये किसके दो पार्ट हमने कंसिडर किए हैं, दिस टू पार्ट इज स्टैंड्स फॉर द स्टेटर MMF, बिकॉज स्टेटर MMF इज पार्टेड विद द रोटर MMF प्लस मैग्नेटाइजिंग MMF. सो मैग्नेटाइजिंग MMF को अगर हम निग्लेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि भाई स्टेटर MMF इज इक्वल टू रोटर MMF. अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि भाई स्टेटर MMF इज इक्वल टू रोटर MMF किस तरह से हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. ओके नाउ ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है स्टेटर MMF और रोटर MMF के दो इक्वेशन. ओके स्टेटर MMF के बारे में हमने क्या किया हुआ है कि भाई स्टेटर
MMF जो है उसके लिए हमने इक्वेशन लिया हुआ है यहाँ पे 3 IS TS KWS cos φ। ओके, ये इक्वेशन लिया है स्टेटर MMF के लिए, और रोटर MMF के लिए हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, IB SR/2। सो हम इस दोनों इक्वेशन को एक साथ में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रूवन दैट स्टेटर MMF इज इक्वल टू द रोटर MMF। ओके, सो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर सच लाइक इन दिस वे, स्टेटर MMF इज इक्वल टू रोटर MMF, दैट इज 3 IS TS KWS cos φ इज इक्वल टू IB SR/2। ओके, सो नाउ इफ आई विल टेक दिस IB ओवर हियर, अगर मैं IB को इस तरफ पे ले जाता हूँ, तो फिर अपना इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज IB इज इक्वल टू 6 IS TS, क्योंकि ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 IS TS इंटू, फिर हम लोग क्या करेंगे, KWS cos φ को एक अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, दैट इज विंडो स्पेस फैक्टर इंटू cos φ, क्योंकि फर्दर हमें इसका रिडक्शन करना है, तो उसमें थोड़ी से आसानी रहेगी। ओके, एंड दिस SR दैट इज द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स दैट इज कम ओवर हियर। ओके, सो दिस इक्वेशन इज बिकम लाइक दैट, IB इज इक्वल टू 6 IS TS इंटू KWS cos φ डिवाइडेड बाई SR। ओके ओके, सो दिस इक्वेशन सम ऑफ द पैरामीटर, वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, IS, वॉट इज IS, वॉट इज TS, KWS इज स्टैंड फॉर विंडो स्पेस फैक्टर, एंड SR विच इज स्टैंड फॉर टोटल रोटर बार। ओके, और यू कैन कंसिडर दैट इज SR इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर टर्न्स एज वेल। ओके, सो IB इज नाउ दिस फाइनली दिस इक्वेशन इज कम्स लाइक दैट, IB दैट इज बार रोटर बार करंट इज इक्वल टू 6 IS TS KWS cos φ डिवाइड बाई SR। ओके, नाउ वाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज वी विल टेकिंग वन वैल्यू फॉर द KWS एंड cos φ। अगर हमें एक अजम्पशन यहाँ पे लेते हैं KWS और cos φ के लिए, हम KWS की एक वैल्यू ले लेते हैं, ओके, और cos φ की एक वैल्यू ले लेते हैं, जो जनरली मोटर्स में यूज़ की जाती है जनरल पर्पस के लिए। ओके, KWS हम यहाँ पे रखेंगे फॉर एग्जांपल, दैट इज 0.955, दैट इज यूजुअली यूज्ड 0.955। ओके, एंड cos φ जो कि पावर फैक्टर है, हम सब जानते ही हैं व्हाट इज़ द cos φ, cos φ दैट इज कंसिडर द cos पावर फैक्टर, एंड इट इज़ गुड फॉर इफ वी टेकिंग द वैल्यू नियर टू यूनिटी, बट इन प्रैक्टिकल केस इट इज़ नॉट नियर टू यूनिटी, बट मोस्ट ऑफली वी टेकिंग दिस वैल्यू एज अ 0.89। ओके, सो हमारे पास अब KWS की वैल्यू है और cos φ की वैल्यू है, तो इस दो वैल्यू का हम यूज़ करके इस इक्वेशन को फर्दर रिड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस दो वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अपना इक्वेशन फर्दर कैसे बनेगा, कि भाई KWS इंटू cos φ अगर आप करते हैं, तो उसका वैल्यू आएगा आपको 0.85। ओके, इस इक्वेशन में अगर ये दो वैल्यू आप डाल रहे हैं, तो उसका वैल्यू आएगा 0.85। सो नाउ आवर इक्वेशन फॉर द IB दैट इज बिकम जस्ट लाइक दैट, IB इज इक्वल टू, हमने जो कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ अ 0.85, सो वी कैन राइट डाउन दिस वैल्यू एज अ 0.85, एंड रिमेनिंग टर्म जो यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 6 IS TS 6 IS TS डिवाइडेड बाई द SR। ओके, सो इस तरह सा कुछ इक्वेशन आपका अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इक्वेशन यू कैन यूज टू फाइंड द वैल्यू, हाउ मच वैल्यू ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द
rotor bar, okay? And furthermore we discussed, that is how much value of current is flowing through the rotor bar and entering current, okay? So उसके लिए हमने already एक discuss की हुई एक figure, okay? That is the figure which I am talking about, कि भाई current rotor cage में current कितना रहेगा, okay? So now we will see, that is current flowing in the entering, that is in this way, two parts are there, north and south, that वो already we discussed कि north और south part में कैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, ओके? एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नॉर्थ नॉर्थ पोल करंट दैट इज गोइंग टू द अपवर्ड डायरेक्शन एंड साउथ पोल करंट दैट इज गोइंग टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दैट्स हाउ वी विल गेट द शेप ऑफ साइनोसॉइडल शेप. एंड बोथ ऑफ द करंट करंट इन एंट्रिंग एंड करंट इन बार वेरीज विथ सम delay, okay? So when this current in entering are zero, at that time current in bar is going to be maximized, okay? So now we will see how we can implement this in mathematically, okay? Just a moment. Okay, so now we will move from for the maximum value of current in entering, okay? So that is stands as an SR as well. So the we can write maximum value of current in entering in that way, that is IE max is equal to bars per pole by 2, okay? IE max is equal to given over bars per pole by 2 into current per bar, okay? So in place of that bars per pole, that means SR, which stands for bars per pole divided by 2 into IB max. Current per bar हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? IB max, maximum current. Because क्यों maximum current? क्योंकि ये जो value है वो sinusoidally vary हो रही है, okay? क्योंकि यहाँ पे हम average value नहीं ले सकते, okay? Due to the reason the value is varied sinusoidally. सो यहाँ पे हमें RMS वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे IB max, ओके? जस्ट अ मोमेंट. ओके, देन फर्दर इफ वी मूव दिस टूवर्ड्स दिस इक्वेशन, दैट इज IE max इज इक्वल टू SR by 2P इंटू IB max, ओके? ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, हाँ, ओके? ये इसके इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एंटरिंग फाइंड कर सकते हैं, ओके? सो नाउ, ओके, एज वी डिस्कस दैट एट पर्टिकुलर टाइम द एंटरिंग करंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एंटरिंग करंट, नॉट द एवरेज करंट, ओके? सो ओवर हियर वी कंसिडर ऑफ आई ई मैक्स इज इक्वल टू 2 बाई पाई इन ब्रैकेट आई बी इंटू आई बी मैक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस आर, ओके? डिवाइडेड बाई ओवर हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ पोल्स, ओके? If you reduce this equation further, it becomes like that. It is equal to just 2 by pi. Okay, then this SR into IB max divided by 2P. Okay, because this number of poles we are considered as a 2P. Okay, why it is just become like that? Because this is varied in this fashion, and this maximum value we have to consider as a entering current, because this entering current you can see in this IE max, okay? If we consider this entering current over here, this is the entering and it is varied sinusoidally. At this particular time of interval there is a amount of current is varied, this particular time. So
at that one instant the current is varied, so we cannot take the average value, we have to take the RMS value for that particular session or particular moment. Okay, that's why these two equation is over there. Okay, so that is IE max is equal to 2 by pi, IB max by 2 into SR divided by number of poles. This equation further reduced to 2 by pi SR into IB max divided by 2P. Okay, now so when we discuss or when we trying to find out this IE max, okay, so now we have to consider the RMS value. Okay, so how the RMS value we will be get, that is the equation for that RMS value is there. RMS value is equal to peak value divided by root 2. RMS equal value is equal to peak value divided by root 2. So this peak value, that means the this value i.e. max. Okay, so when you are trying to find out the RMS current of RMS value of entering current, you have to consider this RMS value is the peak value divided by root 2. So you may write for that, now your IE RMS, if you interested to find IE RMS, then you have to consider this equation IE max, because it is the peak value IE max divided by root 2. So with help of this equation you can get this RMS value of the entering current. Okay, now हमने IE max की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके रखी हुई है, ठीक है. सो IE max की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड करके रखी हुई है, दैट इज 2 बाई पाई इंटू एस आर इंटू आई बी मैक्स डिवाइडेड बाई 2P. ओके, सो हमें कुछ करना नहीं है, ये पर्टिकुलर इस वैल्यू को जो IE max की वैल्यू है उसे इस इक्वेशन में रख देना है. ओके, IE max की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना है. सो आवर इक्वेशन इज बिकम लाइक दैट. ओके, सो अपना इक्वेशन है, दैट इज आई आर एम एस वैल्यू ऑफ एंटरिंग करंट, दैट इज लुक लाइक दैट. इट इज 1 बाय रूट 2 इंटू 2 बाय पाई इंटू एस आर आई बी मैक्स डिवाइडेड बाय 2P. ओके, नाउ फर्दर वी ऑलरेडी नो दैट दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू. ओके, आई बी मैक्स एंड वन रिलेशन ड्यू टू दैट वी ऑलरेडी फाइंड डिस्कस ओवर दियर. That is RMS value of entering current is equal to IE max divided by root 2, that is maximum current divided by root 2. Okay, so over here we can say that IB max is equal to root 2 IB. Okay, because अगर हम उसका RMS value find करते हैं तो उसको divided by root 2 करेंगे, अगर आपको उसका max value चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, आई बी मैक्स का अगर मैक्स वैल्यू आपको फाइंड करना है देन आई बी मैक्स इज इक्वल टू रूट टू आई बी, दैट इज वाइस वर्सा. ओके, इफ हमें आर एम एस वैल्यू फाइंड करना है तो आई बी मैक्स डिवाइडेड बाई रूट टू, अगर आपको इसका पीक मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट टू आई बी. ओके, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू वी हैव टू put in place of this IB max. Okay, so अगर हम IB max की जगह पर यहाँ पर root 2 IB लगाते हैं तो now our equation will look like this. Okay, that is just a moment. Okay, so we will put this value in place of IB max root 2 IB, just a moment. So in place of IB max, we just write it down this value SR into root 2 IB. Okay, now you can see
Now you can reduce some of the part from this equation with this. Okay, this root 2 will going to be eliminated in this way. This 2 is reducing further in that way. So remaining term are SR into IB divided by pi P. Okay, so that I will be written down for you. Now your equation in look like that. That is your entering current is equal to SR into IB divided by pi P, and you can consider this equation as your final equation to finding out the entering current. Okay, I hope you understood this explanation very well. I will just show you. I already introduced it in this PPT as well. Just a moment. So we just left those section over here. Okay, so now you can see from that part we just discussed in that section के हमने पूरा equation किस तरह से derive किया हुआ है. Okay, so वो हमने अच्छी तरह से इसमें दिखाया है. ठीक है, तो आप इसे यहाँ से easily learn कर सकते हो. So this I max is further reduced to 2 by pi into SR by 2 P into IB max, and how it is going to be I max is equal to root 2 IB because it is a RMS value of current, and then I max is equal to 2 by pi into SR by 2 P into root 2 IB, and finally this equation is, you will get this final equation, that is I is equal to SR into IB divided by pi P. That what exactly we got in this calculation, that is the SR into IB into pi P with this explanation. Okay, so you can easily understood this how this equation is come in your way. Okay, so this is the final equation, I into RMS is equal to SR into IB into pi P, so which I already explained to you, and I hope you easily understand this equation. So you can see both equation I RMS is equal to SR into IP by pi P, which I explain you over here. Okay, I'm talking about this equation. Okay, so now we will discuss how this question is asked in GTU examination for your exam. Okay, so that's how this question is asked in GTU examination. That is, draw and explain briefly the current distribution waveform spread over one pole pitch in bars and end rings. So in this examination you have to mention those equations, and you have to mention all the figures which I shown to you in this video lecture. Okay, so I hope you can able to give a good answer after learning from this video lecture. Okay, thank you very much.